अगर आज आपने कोई प्रोडक्ट 8-9 हज़ार रुपए में भी खरीदा है, लेकिन आप जब वो स्टोर से निकले तो आपको जो फीलिंग है उस प्रोडक्ट के लिए, जो आपके माइंड में वैल्यू है, वो उससे कहीं ज्यादा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला माय सिटी टॉक्स का एक ताजा एपिसोड और मैं हूं आपका होस्ट संजय अधिक्या। तो आज हमारे सामने है देश का नंबर वन स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड प्यूमा, और आज हम जिसके ऑफिस में बैठे हैं और उस ब्रांड के बारे में जो हमसे दिल खोलकर बात करेंगे वो है प्यूमा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक गांगुली। अभिषेक, amarujwala.com के लाखों व्यूअर्स और अमर उजाला अखबार के लाखों पाठकों की तरफ से आपका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हीरे को परखना है तो अंधेरों का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाया करते हैं। पिछले 2 साल इंडस्ट्री के लिए स्लो डाउन के साथ थे, मंदी की आहट थी, दहशत थी, खौफ था, लेकिन इन्हीं 2 सालों में हम देखते हैं कि प्यूमा इंडिया देश की नंबर वन कंपनी बन गई टर्नओवर के हिसाब से, और उसका जो ग्रोथ रेट है वो लगातार ईयर ऑन ईयर 20% से ज्यादा है। तो कामयाबी की ये इबारत कैसे दिखी? सबसे तो पहले मुझे लगता है कि ये जो स्लो डाउन या मंदी की हम बात करते हैं, ये हमारे जो ग्राहक हैं या जो कंज्यूमर्स हैं, इनसे ज़्यादा ये माइंडसेट बिजनेस में आ जाता है। बिकॉज आप जब बात करते हैं कि स्लो डाउन चल रहा है, स्लंप चल रहा है इकोनॉमी में, तो ओवरऑल जो बिजनेस सेंटिमेंट है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है। तो जैसे ही ये स्प्रेड होता है बिजनेस में, तो जो बिजनेसेस चलाते हैं, जो मैनेज करते हैं, वो नेचुरली और वेरी ऑटोमेटिकली वो बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं। अच्छा, तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि आप मार्केटिंग कट कर दो, आप नया एम्प्लॉयमेंट ना दो किसी को, आप अपना हेड काउंट ना बढ़ाओ, आप स्टोर्स और मत खोलो, आप इन्वेंट्री कम खरीदो। तो एक नेचुरल एक इंस्टिंक्ट होता है कि इतनी नेगेटिविटी हो जाती है। तो आई थिंक स्लो डाउन का सबसे बड़ा एक तो ऑफ कोर्स जो एक सेंटिमेंट होता है, लेकिन जो बिजनेस जैसे रिएक्ट करती है उससे ये स्लो डाउन और बढ़ता जाता है। बिकॉज वो खुद स्पायरल, एक स्पायरल हो जाता है, आप एक ऐसे कर्व में घुस जाते हो जिससे आप हरदम अपने आप को एक डिफेंसिव पोजीशन में पाते हो, आप हरदम होल्ड बैक करते हो। और आप जब कोई भी चीज होल्ड बैक करोगे तो एक्चुअली ये डिमांड की कमी नहीं है, ये एक्चुअली आप उस मार्केट पे कैसे रिएक्ट करते हो। तो हमने एक्चुअली इसका बिल्कुल विपरीत करा है। और अगर आप देखें लास्ट ईयर का जहां तक सवाल है, हमने लास्ट ईयर 30 स्टोर्स खोली हैं, एक्सक्लूसिव स्टोर्स खोली है, हमारा ऑलरेडी काउंट अब 375 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हो गए हैं इंडिया में। हमने नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं मोर देन एवर इन आर हिस्ट्री इन इंडिया। हमने मार्केटिंग ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। हमने, आप देखिए, अगर हम ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें, लास्ट ईयर हमने 7 नए ब्रांड एम्बेसडर्स साइन किए हैं। तो हम इन्वेस्ट करें, हमने सप्लाई चेन में बहुत इन्वेस्टमेंट करा है। तो हमने स्लो डाउन को अपने आप को रोकने नहीं दिया है, ऑन द कॉन्ट्ररी हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी देखा है। क्योंकि देखिए, फैक्ट है कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, स्पोर्ट्स कहिए या फिटनेस कहिए, इंडिया में अभी जो ग्रोथ आ रहा है, आप छोटे से छोटे शहर में चले जाइए, जिम्स जिस तरह से आ रहे हैं, जिस तरह से लोग अब स्पोर्ट्स में इंडिया का जो पोजीशन है वो अभी जो है 10 साल पहले ऐसा नहीं था। एग्जैक्टली, इनफैक्ट यही मेरा अगला सवाल था कि आपने टीयर वन से सिटी से निकलकर टीयर टू और टीयर थ्री की तरफ इसकी तरफ देखना शुरू किया, तो ये जो आपकी एक्सपेंशन हो रही है उसमें रीजनल डायमेंशंस कैसे चेंज हो रही हैं, इसके बारे में आप बताएं। मैं उसी पे आ रहा था कि इवन छोटे शहर में हमने देखा, आज इंडिया सोशल मीडिया बोलिए या डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनफैक्ट हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अभी बात कर रहे हैं, बैंगलोर दिल्ली अपनी जगह है, लेकिन आप देखो उधर कोयम्बटूर हो या लखनऊ हो या आप देहरादून बोलो या जयपुर उदयपुर,
हमने सब जगह स्टोर्स खोला है और वहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, लोगों को लगता है कि यहाँ लोगों को छोटे शहर में लोगों को सस्ते प्रोडक्ट्स चाहिए या लेस क्वालिटी का प्रोडक्ट्स चाहिए या लो फैशन प्रोडक्ट्स चाहिए। हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल विपरीत है। अच्छा, प्रीमियम की भी डिमांड है बिल्कुल छोटे शहरों में। छोटे शहरों में क्योंकि आज क्या है, आज बिकॉज इंस्टाग्राम बोलिए या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको क्या लेटेस्ट ग्लोबल में है। आज एक कोई लॉन्च होता है, अगर अमेरिका में होता है या जर्मनी में होता है, उनको उस समय पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट का लॉन्च हुआ है और ऑटोमेटिकली एक डिमांड क्रिएट होता है। तो मेरा ये मानना नहीं है कि टियर वन का जो कस्टमर है और टियर टू का कस्टमर है आज इंडिया में ज्यादा फर्क बचा, बहुत ज्यादा फर्क। इनफैक्ट जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है या जो परचेजिंग पावर है उसमें कोई बहुत फर्क अब रहा नहीं है। लेकिन क्या इसको आप एक जो फिटनेस का एक क्रेज है या जो फिटनेस के लिए जागरूकता है आम लोगों में उससे भी जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, बिकॉज आज आप देखिए कि जागरूकता बहुत ज़्यादा है अक्रॉस। और आज देखिए, आज जैसे स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं स्कूल्स में और इवन जब कॉलेज गोइंग किड्स है, पहले के कंपैरिजन में आज उनका जो जागरूकता है कहीं ज़्यादा है और वो आज अपने आप को एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए बहुत पहले से तैयार करते हैं। कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और सिर्फ ये नहीं कि उनको फिट होना है, कैसे फिट होना है, क्या न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए, फिर वो अपना कम्युनिटीज़ बनाते हैं जहाँ वो डिस्कस करते हैं ऑनलाइन कम्युनिटीज़। तो कंज्यूमर तो बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है और द गुड थिंग है इज़ दैट हमारे कैटेगरी के लिए ये बहुत फेवरेबल है क्योंकि हम राइट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो जो लोगों को फिट होने के लिए हेल्प करें, मोटिवेट करें। तो आई थिंक मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो वाकई बढ़िया बात है, लेकिन इस पूरी स्ट्रेटेजी का और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का नतीजा ओवरऑल क्या रहा? आज आपका मार्केट शेयर कितना है और कॉम्पिटिशन को देखते हुए आगे अगले 2-3 साल की क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? हम कंपटीशन पे ज़रूर ध्यान रखते हैं बट हमारा गोल नंबर वन ब्रांड होने का नहीं है। हमारा जो हमारा जो कोर मकसद है ये है कि हम अपने कंज्यूमर को लॉन्ग टर्म ऐसे प्रोडक्ट्स दें और ऐसे इंस्पायर करें। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स, राइट? लेकिन हमारा बिजनेस बहुत अच्छा रहा है ऑन वन साइड, द आउटकम ऑफ विच इज़ कि आज हमारे पास almost 30% market share है। We are the number one brand because it is a publicly available data now. Yes. And we are the number one. Not just this year, last year also we were the number one. Now the gap has only increased. Basically consumer के दिमाग को पढ़ना। अभिषेक, digital platforms के बारे में आपका नजरिया क्या है? आपकी कितनी sales digital के through आ रही है? और जो जो जैसे कहते हैं कि डिजिटल ऑफलाइन का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, इसके बारे में आप बताएं। हम डिजिटल को सिर्फ एक ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी के तरह से नहीं देखते, हम डिजिटल को एक देखते हैं कि पूरा जो कंज्यूमर लाइफ साइकिल है, जब से कंज्यूमर आपको समझ जानता है आपके बारे में, आपको डिस्कवर करता है, आपको अपने कंसिडरेशन सेट में डालता है, फिर आपके स्टोर में या ऑनलाइन खरीदता है और उसके बाद उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करके फीडबैक देता है, ये पूरा चीज डिजिटल हो गया है। लेकिन ई कॉमर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑलमोस्ट 28% बिजनेस है हमारा। 28% डिजिटल इज द फ्यूचर। जो हमारा ये मानना है बिजनेस, जो भी बिजनेसेस कंज्यूमर बिजनेस स्पेशली डिजिटली ओरिएंटेड होगी वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी इन फ्यूचर कंपेयर टू जो डिजिटल ऑप्शन जिनकी कम है उनके मुकाबले में। अच्छा अभिषेक, डू यू आल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ फेक प्रोडक्ट्स? हाउ प्रेवलेंट इज द दिस मेनस इन दिस इंडस्ट्री? तो हमने फेक को बहुत सीरियसली लिया है संजय, हमने किया है, हमारी एक पूरी टीम है जो अक्रॉस द चैनल मॉनिटरिंग करती है बिकॉज ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है। तो हमने क्या किया है कि जो हमारे जैसे हमारे स्टोर्स हैं वो तो हमारे पूरे कंट्रोल सप्लाई चेन से जाता है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ भी हमारी ऐसी पार्टनरशिप है कि कब हम पूरी मॉनिटरिंग करते रहते हैं
और अगर कभी भी उसमें कोई फेक प्रोडक्ट दिखा तो हम इमीडिएटली उसको यू नो डिलिस्ट करवाते हैं। तो ये हमने पूरी ई कॉमर्स को स्कैन करके रखा है और जी ट्रैक डाउन करने का भी प्रोडक्ट को एक सिस्टम जरूर होगा, पूरी ट्रैकिंग हम उसमें भी हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, प्लस हमने पूरा लीगल स्ट्रक्चर बनाया है एक्शन लेने के लिए, प्लस हम मार्केट को पूरे स्काउट करते रहते हैं छोटे छोटे मार्केट्स में, प्लस हम सोर्सेज देखते हैं ये कहाँ से आ रहा है, बहुत जरूरी है। तो देखिए फेक दो तरीके का होता है और जो भी ब्रांड ज्यादा पॉपुलर है उसकी फेक होने का चांसेस बढ़ता है, तो हमें तो बहुत केयरफुल रहना है। अभिषेक अपनी कंपनी के कुछ नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, खासतौर पर वो जो टी शर्ट है जो वेस्ट मटेरियल से बनी है, और अगर कुछ बातें आप अपने एक्सपीरियंस स्टोर के बारे में भी बताएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। जब ई कॉमर्स अवेलेबल है ऑफलाइन वर्ल्ड के लिए एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस में आप कैसे किस तरह के स्टाफ हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का विजुअल मर्चेंडाइजिंग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमने इससे भी आगे एक्सपीरियंस के लिए, जैसे अभी हमने एक एक्सपीरियंशियल स्टोर बैंगलोर में 100 फीट रोड में खोला है, जिसमें अगर आप जाएँ तो एक फार्मूला 1 सिम्युलेटर है जहाँ पे आप एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं फार्मूला 1 ड्राइवर का क्या लाइफ होता है, किस तरह से वो ड्राइव करते हैं, तो एक्चुअली आप कंपीट कर सकते हैं एक अपने किसी एक सिम्युलेटर है विद रियल एक्सपीरियंस। उसके बाद आप अगर कोई भी पर्सनलाइजेशन एक बड़ी ट्रेंड है जहाँ लोग अपना नाम या नंबर या डिज़ाइन कस्टमाइज करने के लिए, तो कोई भी प्रोडक्ट आप इस स्टोर से खरीदेंगे तो इसको आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, आप डिज़ाइन पर्सनलाइज कर सकते हैं, नाम पर्सनलाइज कर सकते हैं, इनिशियल पर्सनलाइज कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फुटवेयर अपैरल एक्सेसरी, तो ये सब हमने इस स्टोर में करा है। मान लीजिए मुझे अपनी टी शर्ट पे नाम अपना लिखाना है जी, है ना, तो उसके लिए मुझे कितना वेट करना है? बिल्कुल 10 से 15 मिनट में ये हो सकता है। इसी तरह से हम स्टोर्स में धीरे धीरे हर स्टोर में हम एक्सपीरियंस में फोकस करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ ये बैंगलोर के स्टोर में, बट हर स्टोर में हमारे जो 375 स्टोर हैं अक्रॉस इंडिया 130 सिटीज में, इन सब में हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई ऐसी एलिमेंट्स हो जिससे कस्टमर को शॉपिंग करने का एक इंटरेस्ट अलग अनुभव हो। अच्छा अभिषेक, एक परसेप्शन ये है कि जो प्यूमा के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, तो ये तो हमें मालूम है कि प्रीमियम रेंज है, लेकिन क्या वो जो बहुत महंगे वाली बात वो सही है? हम ये मानते हैं कि जो वैल्यू बाय प्राइस है वो हरदम कस्टमर के माइंड में मोर देन वन हो, विच मीन्स अगर आज आपने कोई प्रोडक्ट 8-9 हज़ार रुपये में भी खरीदा है, लेकिन आप जब वो स्टोर से निकलें तो आपको जो फीलिंग है उस प्रोडक्ट के लिए, जो आपके माइंड में वैल्यू है, वो उससे कहीं ज्यादा हो। तो हम हरदम ये वैल्यू बाय प्राइस, परसीव वैल्यू जो आपके माइंड में, हमारे माइंड में नहीं, जो खरीदने वाले हैं उनके माइंड, वो एक से ज्यादा होना चाहिए। हम मानते हैं कि वो हम उस पे काम करते हैं और वो हमारा डेफिनेटली होता है। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीइंग द लीडर ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड राइट नाउ इन द कंट्री, रिटेल सेगमेंट में जो रीसेंट चेंजेस हैं वो कैसे हैं, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इस लाइन में खासतौर पर रिटेल में, उनके लिए अगर आप एक थोड़ा सा ट्रेड सीक्रेट्स शेयर करना चाहें तो वो क्या हो सकते हैं? मेरा ये मानना है कि कोई भी रिटेल बिजनेस आज अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको एक्सट्रीम कस्टमर सेंट्रिसिटी होना पड़ेगा, कि कस्टमर के को कैसे हम ज़्यादा सेटिस्फाई करें, कस्टमर को कैसे डिलाइट दें, कस्टमर को कैसे उसकी नीड को हम समझें, अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करें। तो अगर आज आप देखिए आपके हर मतलब यूपी में आप जाइए, अगर आज राजस्थान में भी, बहुत सारे ऐसे लोकल मल्टी ब्रांड प्लेयर्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, और उसका ये रीज़न है क्योंकि वो अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से जानते हैं, कस्टमर को जानते हैं। अच्छा अभिषेक, जो स्पोर्ट्स वेयर है या फुटवेयर है उसमें जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है वो काफ़ी बड़ी है जी, तो जाहिर है वो प्राइस एडवांटेज पर खेलते हैं,
बहुत सस्ता प्रोडक्ट वो उतारते हैं। तो अभी मौजूदा जो मार्केट है उसमें अनऑर्गेनाइज कितना है, और आपके हिसाब से आने वाले वर्षों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे मुकाबला करेगा? मेरे हिसाब से रिटेल को ऑर्गेनाइज्ड होना एक हमारे पूरे इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। तो एक कस्टमर के इंटरेस्ट में और दूसरे पूरे एम्प्लॉयमेंट सप्लाई चेन में पूरे इसके लिए ये होना बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो कस्टमर को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, ढंग के सप्लाई चेन नहीं होंगे, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अभिषेक, आप ये जो सेल्फ रिन्यूअल है इसके लिए क्या क्या करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? और क्योंकि मैं न्यूज़पेपर से हूँ तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज रीडिंग फॉर यू, और उसमें न्यूज़पेपर रीडिंग को कितना वक्त देते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ा स्किल आज जो चाहिए वो है एबिलिटी टू हैव लर्नेबिलिटी, एक वर्ड है कि लर्निंग टू लर्न, कि आपको सीखने की जो माइंडसेट है वो सीखना जरूरी है, राइट? क्योंकि इतना चीज चेंज हो रहा है आज, अगर मैं नए चीजें नए स्किल्स ना ऐड करूं या नहीं करा होता तो ना मैं सक्सेसफुल होता और ना मेरी कंपनी। अगर मैं इवन मैं अगर नेक्स्ट 5 साल तक नए स्किल्स नहीं ऐड करूंगा तो मैं रेलेवेंट हो जाऊँ। मैंने आपकी न्यूज़पेपर अमर उजाला पढ़ा है, मैं लखनऊ में MBA किया था और उसके पहले भी मैं बिहार में मेरा जन्म हुआ है, सो हिंदी और हिंदी न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग अमर उजाला एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम मैंने कंज्यूम किया है, मैंने पढ़ा है। बहुत बड़ी बात है जो प्रिंट न्यूज़पेपर का जो एक एडवांटेज है कि आप फैमिली में एक या दो न्यूज़पेपर आता है, राइट? और अगर उसमें सारे फैमिली सेम कंजम्पशन करें तो एक डिनर टेबल पे या लंच टेबल पे या वीकेंड पे एक कॉमन टॉपिक डिस्कशन होता है, और जो कि डिजिटल में कभी पॉसिबल है, सब कोई अपना अपना पढ़ते हैं, सबका पर्सनल स्क्रीन होती है और वो सब। बिल्कुल, तो ये एक प्रिंट का एडवांटेज है कि इट गिव्स अ कॉन्टेक्स्ट फॉर फैमिली कॉन्वर्सेशन। ये बहुत आपने एक नया इसका जो पहलू है वो हमारे सामने पेश किया, और जैसा कि आपने देखा, और आखिर में बस मैं इस सवाल के साथ इस बातचीत के सिलसिले को खत्म करूंगा कि एक बार हमारे तमाम पाठकों से और व्यूअर्स से मुखातिब होकर आप उन्हें ये बताएं कि प्यूमा के स्टोर में आकर उसको महसूस करना और प्यूमा का कोई प्रोडक्ट खरीदना उनके लिए क्यों जरूरी है। नहीं, आई मीन ये तो मैं बोल सकता हूँ, ये मेरा जॉब है कि मैं ये बोलता रहूँ कि प्यूमा खरीदना क्यों अच्छा है, ये तो मेरा जॉब है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि हम एक ग्लोबल ब्रांड है जिसका एक हेरिटेज है, लेकिन हमने इंडिया में जिस तरह से बिजनेस रन किया है वो बहुत ही इंडिया स्पेसिफिक रहा है, और मेरा ये मानना है कि हम बहुत रूटेड हैं हमारे ऑपरेशंस में इंडिया से। हम ये नहीं बोलते कि जो हमारे US में जिस तरह से हम ऑपरेशंस चलाते हैं या जैसे यूरोप में चलाते हैं वैसे ही हमने इंडिया को चलाते हैं। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि आप प्यूमा के प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए और या हमारे स्टोर में आइए, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ हमारी इस बातचीत में और माई सिटी टॉक्स के साथ हमारा मेहमान बनने के लिए और अपना एक शानदार ऑफिस हमें दिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।